मेरा नाम राजवीर कौर है। मैं पेट के दर्द होंगी सी ते बाद विच मैं अल्ट्रासाउंड कराई उन्दे विच हरनिया आई हाँ ते नाल बच्चे का निशुल सौली सी इस करके डॉक्टर ने दिखाया। डॉक्टर ने दोनों चीज़ों का ऑपरेशन एक बारी इकट्ठा किया। हरनिया का ऑपरेशन बच्चेदानी का ऑपरेशन इको बारी बिल्कुल ठीक ठाक होया। मेरा ऑपरेशन डॉक्टर करनैल कौर ने किया है अमनदीप कमल होस्पिटल विच होया। मैं होस्पिटल बहुत वधिया लगा। इतों की स्टाफ बहुत वधिया है, डॉक्टर बहुत वधिया हैं, मेरी केयर बहुत वधिया है। तो एक बारी दोनों ऑपरेशन किए, हुण मैं बिल्कुल ठीक ठाक हाँ। सत श्री अकाल, मेरा नाम डॉक्टर हिमांती पी सिंह है, MD ऑब्जन गायनी। आई एम वर्किंग इन अमनदीप कमल होस्पिटल फ्रॉम पास्ट 3 ईयर्स एज सीनियर रेजिडेंट। ये हुनी जेडे तुसी पेशेंट की गल सुनी है राजबीर कौर, इन्हों का हरनिया सेगा धुन्नी का जिन्हों आप अम्बलाइकल हरनिया कहने ते नाल बच्चेदानी दे विच फाइब्रॉइड सेगे। अल्ट्रासाउंड किया सी, अल्ट्रासाउंड के उत्ते दोनों फाइंडिंग सानू पता लगियां, इन्हां नू एडवाइस की सर्जरी। ये चाहते सके कि इन्हां दी जिहड़ी जो भी समस्या हैगी है हरनिया की भी तो फाइब्रॉइड की भी ये एक टाइम के उत्ते ही रिमूव कर दिती जाए तो इन्हां नू दोनों मसलियां तो इको वार आराम मिल जाए। हरनिया वास्ते साडे कोल डॉक्टर परमजीत सिंह कालों, ही इज़ MS सर्जरी। वो साढ़े को आके अमनदीप ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स जो प्रैक्टिस करते हैं साढ़े को इतने आके नाल सर्जरीज भी परफॉर्म करते हैं। सो इस सर्जरी दे विच डॉक्टर परमजीत सिंह कालों, डॉक्टर करनैल कौर मैम ते माइसेल्फ डॉक्टर हिमांती पी सिंह असी तीनों ये सर्जरी कंडक्ट की है। हरनिया का ओपरेट किया गया नाल ही हिस्ट्रेक्टमी जिन्हों आप कहने बच्चेदानी का रिमूवल, वो दोनों ओपरेशन इको सिटिंग किए गए हैं। जब भी आप दो ऑपरेशन एक बार च करते हैं वो रिस्की होंदा है, उदे वास्ते सानू माहिरता दी रिक्वायरमेंट होंदी है एनेस्थीजिया वालों भी, बिकॉज लंबा चलता है प्रोसीजर, बिकॉज दो ऑपरेशन हो रहे होंदे ने। पेशेंट नू उन्नी दे स्टेबलाइज करन वास्ते साडे कोल एनेस्थीजिया मशीन प्रॉपर हैगी है, स्टेट ऑफ द आर्ट साडे कोल फैसिलिटीज़ हैं, नाल साडे कोल काफ़ी माहिर एनेस्थेटिस्ट ने, पूरी टीम है रादर एनेस्थेटिस्ट जी। सो जब भी कोई दिक्कत आती है साडे कोल सारी फैसिलिटीज़ रहिंदियां ने। उदे नाल नाल साडे कोल ICU भी हैगा। समटाइम्स कोई भी पेशेंट नू ये पता नहीं हुंदा किस पेशेंट नू कद कॉम्प्लीकेशन आ जाए, बट अच्छे हॉस्पिटल दे विच कॉम्प्लीकेशन आने तो पहला तैयारी होनी चाहिए है ताकि पेशेंट नू दिक्कत ना आवे। ICU होने के नाल नाल साढ़े कोल पूरी फैसिलिटीज़ हैगिया ने कि कई बार पेशेंट नू जे पोस्ट प्रोसीजर वेंटिलेटर की जरूरत पवे उदी साढ़े कोल तैयारी रहती है। खास करके इस पेशेंट दे विच जब पता है कि रिस्की प्रोसीजर है साड़ी पूरी तैयारी पहला की जाती है। सर्जरी तो पहला उदी PAC होंदी है, पेशेंट नू फिट किया जाता है, टेस्ट कराए जाते हैं, फिर ही पेशेंट नू दाखिल किया जाता है उदी प्रोसीजर वास्ते। पेशेंट दा सक्सैसफुली दो ऑपरेशन्स किए गए इन अ टाइम लिमिट ऑफ 2 आवर्स विच इज़ अ अचीवमेंट फॉर अस। एंड हुन पेशेंट 4th डे डिस्चार्ज हो गया आफ्टर सर्जरी, दो ऑपरेशन्स के बावजूद भी 4th दिन आफ्टर सर्जरी पेशेंट वॉक करके अपने घर गया। एंड 2 डेज बाद पेशेंट वॉकिंग सानू अपने घरों आया दिखाने वास्ते। कोई पेशेंट नू पोस्ट ऑप पेन नहीं सीगी, ओरल टैबलेट्स ले रहे हैं मठी मठी दर्द वास्ते, तुर फिर के अपना सारा काम कर सकता है। ओबियसली भारे काम तो हौले भारे काम तो थोड़ा परहेज तो है ही है, बट ओवरऑल जेडे लोग कह देंगे ने कि मंजे ते पै जाते हैं ऑपरेशन तो बाद, यहोजी कोई गल नहीं होंगी। ये मैं एंड करना चाहूँगी। थैंक यू।